आप खान का ही निज़ाम पर वाद पी एच डी हैं जी अलहमद बताएँ कि ही निज़ाम के जवाल की वजह क्या है मेरी जो फाइंडिंग्स है कि आज भी मैंने दो तरह के अपने थीसिस में मामला रखे कि वो खानकाह हैं जो जाती तसरफ़ में है और वो खानकाह हैं जो सरकारी तसरफ में है इन दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है कि जो खानक का, का अव्ल दिन से एक कायदा करीना रहा तरबियत का तालीम का आ, दीन पर अमल पैराई का रिश्त का हिदायत का और फिर यह कि दुनियावी मामलात में भी जो आ, जाती तशरफ में ख़ानकें हैं उनमें किसी न किसी हद तक मैं ये नहीं कहता कि सौ फीसद लेकिन किसी न किसी हद तक ये चीज़ मौजूद है इसके मुकाबल अगर देखें तो जो सरकारी तसरफ में हैं या हकूमती तसरफ में खानकाहें हैं शायद उनकी आमदन बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जो फला आमा का हो वो वहाँ नज़र नहीं आता अब देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की दरगाह हमारे यहाँ स्कूल भी मौजूद है हमारे यहाँ मेडिकल की सहूलत डिस्पेंसरियाँ मौजूद हैं और पंजाब में हमारे सात मराकज़ काम कर रहे हैं फैसलाबाद में एक हस्पताल मिनी हस्पताल भी काम कर रहा है फिर उसके साथ यह है कि लंगर अल्हम्दुलिल्लाह दो टाइम रहायश के लिए जगह अभी गो प्रॉपर नहीं है लेकिन जो आके रहना चाहे उसके लिए रहने की जगह भी है ये चीज़ें जब हम सरकारी तहवील में जो ख़ानकें हैं वहाँ जब देखते हैं तो वहाँ ये चीज़ें नज़र नहीं आती इसमें ये ख़ानक का जो बुनियादी तस्वुर है कि इसके बारे में तसवफ़ की जो तारीफ है कि अहबा को भी इसका अवलिन मर्जा करार दिया जाता है कि दीन स्लम में अहब शफ़ा का जो है वह तसव्फ़ की बुनियादी तरबियत ग और उसमें देखा जाए कि ऐसे सहाबा कराम वहाँ बैठे वहाँ रहे कि जिनके पास ना रहने के लिए घर था ना खाने के लिए रोटी थी ना कोई तरबियत का निज़ाम था तो नबी करीम सलील वबारक वसलम ने वहाँ सहबा कराम की तरबियत भी की ऐसे लोग भी आए जिन्हें लिखना पढ़ना भी सिखाया उनके लिए खाने का इंतजाम भी उनके लिए रहाइ का इंतजाम भी और फिर ये शायद देखी जाए कि उस दौर में जो जो कबाइल या इलाके मुसलमान होते रहे तो उन्हीं याहाब में से अक्सर 100 परसेंट तो नहीं लेकिन अक्सर उन्हीं कराम में से लोगों को तरबियत के लिए तालीम के लिए दीन की तरफ चलने के लिए भेजा जाता रहा कि वो वहाँ पहुँच के लोगों को दीन की तालीमत दें लोगों को दीन पर अमल पैराई का बताएँ लोगों को अखलाकियात की बातें बताएँ लोगों को इबादत के तरीके और अंदाज़ बताएँ